हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू एसआरडे इंग्लिश। मेरा नाम संतोष कुमार है, ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, आईएफएस कर चुका हूँ। तो आज का हमारा नेक्स्ट वीडियो में आपका वेलकम है। और काम अच्छा लग रहा हो, लग रहा हो कि मेहनत कर रहे हैं और बाकी से बेटर मिल रहा है। नहीं, सभी मेहनत करते हैं, बिना मेहनत कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, बाकी लोग बैठे हुए, ऐसा नहीं है, आप ही कर रहे हैं। तो शेयर करिए, अगर हमारे चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब करिए। आपको जो सीजीएल का मेंस का जो जितना वोकैब सीरीज है, जैसे कि वन वर्ड हो गया, चाहे सरनेम सेंटोनिम्स हो गया, इडियम फ्रेज हो गए, वो आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। अभी वन वर्ड चल रहा है, रूट वर्ड के साथ इडियम फ्रेज भी आएंगे और फिर सिनोनिम भी आएंगे, ठीक। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं कि सीजीएल का प्रीवियस ईयर का सही सोल्यूशन, तो उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा। ये कमेंट करे तो फिर मुझे लगेगा कि अगर कमेंट्स आ रहे हैं तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। इसको अल्टरनेट एक दिन ये, एक दिन वो, एक ये एक वो, ऐसा, ठीक है। ऐसे वीडियो बनाया हुआ, दो तीन बनाया हुआ, देख सकते हैं। और ठीक है, जैसे आप ना आज, ठीक है, दास कुमार जो रूट क्या है, लेक्स या लेक्सी, ठीक है, लेक्सी करते हैं, एल ई एक्स आई, लेक्स कहीं मिलता है, फिर भी लेक्स या लेक्सी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वर्ड राइट, यानी कि शब्द लिखना। एक लेक्सिस, इसमें क्या है, लेक्सिस का मतलब कहने का मतलब होता है मतलब ऑल द वर्ड्स एंड फ्रेजेस, जितने भी वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, क्या, ऑफ अ पार्टिकुलर लैंग्वेज, यानी किसी पार्टिकुलर लैंग्वेज के जितने सारे वर्ड्स हैं और फ्रेजेस हैं, उन्हें क्या कहते हैं, लेक्सिस। जैसे कि मान लो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, ठीक है, जैसे मतलब वर्ड अलग है, फ्रेज अलग है, तो उन्हें क्या कहते हैं कि लेक्सिस, यानी सभी को पूरा का पूरा मिला कर। अब देखिए यहाँ पर लेक्सिकन, लेक्सिकन क्या है, ये देखिए नाउन है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है। यहाँ पर यहां देखिए, अगर इसका देखिए, ये काउंटेबल नाउन है, अगर आपको इसका ना करना हो प्लूरल, तो अपना ऐसा करेंगे इस तरह, ये हो गया इसका बहुवचन, लेक्सिकन का लेक्सिका। देखिए कई वर्ड्स होते हैं जिसमें ना ओ एन को हटा के ए करते हैं, ऐसे फेनोमेना, तो ये लेक्सिकन का मतलब, लेक्सिकन क्या है, देखिए लेक्सिकन कहने का मतलब सीधे, देखिए लेक्सिकन कहने का मतलब डिक्शनरी, और डिक्शनरी समझ गए, डिक्शनरी क्या होता है, बुक होता है दैट कंटेंस, दैट बुक दैट कंटेंस, जिसमें क्या क्या होता है, वर्ड्स होते हैं एंड फ्रेज होते हैं, डिक्शनरी तो वर्ड होते हैं, फ्रेज होते हैं, और क्या होते हैं वो वर्ड, फ्रेज होते कैसे है, अरेंज्ड, कैसे अरेंज किया होता है, अल्फाबेटिकली, यानी एबीसीडी से पहले ए वाले वर्ड्स मिलेंगे, बी वाले इस तरह मिलेंगे, अल्फाबेटिकली ऑफ अ पार्टिकुलर लैंग्वेज एंड डिफाइंड, ठीक है। अब लेक्सिकन या डिक्शनरी, लेक्सिकन या डिक्शनरी सेम, इन दोनों का ये क्या होता है, एक बुक होता है दैट कंटेंस, जिसमें क्या होता है, वर्ड्स होते हैं, फ्रेज होते हैं, वर्ड्स कहने का मतलब जैसे कि इस तरह, ऐसे वंस, एक बार, एट वंस, तुरंत, वंस का हो गया वर्ड हो गया, एट वंस यानी कि एक से अधिक वर्ड, सॉरी फ्रेज का होता है, एक से अधिक वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, एक से अधिक शब्द मिलके ना एक नए मीनिंग फॉर्म करते हैं, सबको पता है फ्रेज किसे कहते हैं, तो उसमें वर्ड्स होते हैं, फ्रेज होते हैं, उनको अरेंज कैसे करते हैं, उनको रखते कैसे, अल्फाबेटिकल एबीसीडी के अनुसार, ऑफ अ पार्टिकुलर लैंग्वेज, किसी पार्टिकुलर लैंग्वेज का, विशेष भाषा का, किसी एंड और क्या डिफाइंड, उसमें डिफिनेशन उसका होता है, यानी हर वर्ड को ना कि उसका एक्सप्लेन किया होता है, इसका मीनिंग क्या है, इसे उसमें देखेंगे लेक्सिकन का मीनिंग क्या है, उसमें एक्सप्लेनेशन उसका रहेगा। देखिए अभी लेक्सिकन है ना कि नाउन काउंटेबल डिक्शनरी, जिस तरह एक डिक्शनरी दो डिक्शनरी गिन सकते हैं, तो एक लेक्सिकन दो लेक्सिकन गिन सकते हैं, जरूर इसका अगर करना पड़ेगा, करना बहुवचन, तो लेक्सिकन की जगह लेक्सिका होता है कि ओन की जगह पे होता है, ठीक। और देखिए अब लेक्सिकोग्राफी, ग्राफ मैंने क्या होता है, लिखना, ग्राफ में लिखना, वीडियो बस इस बनाया ग्राफ पर नहीं, लेकिन ग्राफ आपको मिलेगा इसी में मिलेगा, ग्राफ में लिख, तो क्या लिखना, लेक्सिक, एक वर्ड, वर्ड लिखना, वर्ड लिखते क्या करते हैं, तो वर्ड का मीनिंग लिखेंगे, उसका एक्सप्रेशन वगैरह लिखेंगे, किस तरह इसको यूज करते हैं, तो देखिए लेक्सिकोग्राफी मतलब ये काम करने का, एक काम, एक्शन, ग्राफर काम करना, करने वाला, ग्राफर यानी काम करने वाला पर्सन,
ग्राफी यानी वो काम, देखिए तो ग्राफी यानी द एडिटिंग या एडिट करना या मेकिंग ऑफ अ डिक्शनरी, डिक्शनरी को बनाना द एडिटिंग या मेकिंग ऑफ अ डिक्शनरी, यानी जो डिक्शनरी का जो एडिटिंग है मेकिंग है वो जो कला है वो जो काम है एक्शन है उसे कहते हैं लेक्सिकोग्राफी। अब लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर कहने का मतलब द देखिए या तो ऑथर यानी राइटर लेखक, या फिर इसका स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा, एयूटीएच ऑथर राइट, या तो राइटर या एडिटर ऑफ अ डिक्शनरी, डिक्शनरी या क्या राइटर। देखिए ग्राफी का मतलब क्या, वो काम हो गया, इसे डिक्शनरी का बनाना जो उसका मेकिंग है डिक्शनरी का हो गया लेक्सिकोग्राफी, लेकिन लेक्सिकोग्राफर यानी वो काम करने वाला, यानी कि द ऑथर या तो राइटर होगा या एडिट करने वाला, ऐसे मतलब डिक्शनरी उसमें एडिट करते हैं जोड़ते हैं उसमें मतलब अपने अपने लैंग्वेज के अनुसार, और फिर उसको अधिक करते हैं, उसको रिलीज करते हैं, मार्केट में लाते हैं। देखिए एक लेक्सिकोलॉजी, लॉजी का मतलब क्या, साइंस स्टडी लॉजी। देखिए यहाँ देखिए लेक्सिकोग्राफी ध्यान रखिएगा, लेक्सिकोग्राफी लॉजी में ना कन्फ्यूजन होता है, ज्यादा होता नहीं पर फिर भी होता है, द स्टडी। अब लेक्सिको का मतलब क्या, लेक्सी मतलब क्या वर्ड, लॉजी मतलब उसका साइंस, स्टडी द स्टडी ऑफ द फॉर्म, वर्ड को पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे उसका फॉर्म पढ़ेंगे, किस फॉर्म में है उसका मीनिंग पढ़ेंगे कैसा मीनिंग है, एंड बिहेवियर ऑफ ऑफ वर्ड्स के, इसमें कहा द स्टडी ऑफ द फॉर्म, किसका स्टडी फॉर्म का, मीनिंग का, एंड बिहेवियर, बिहेवियर उसका उसको किस तरह यूज करते हैं उसका उसका मतलब एक्सप्रेशन किस तरह मतलब अलग, देखिए एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग होते हैं और उसी वर्ड को अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ अगर बोल दें तो ही मीनिंग होता चेंज, यानी कि उसका मीनिंग पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ वर्ड्स, किसका स्टडी वर्ड्स का, उसका मीनिंग का, उसका फॉर्म का, उसके बिहेवियर का किस तरह यूज होता है, कहाँ का चेंज होता है। अब देखिए लेक्सिकल, देखिए ये इसका एडजेक्टिव फॉर्म है, ठीक है लेक्सिस लेक्सिकल, एडजेक्टिव में कहने का मतलब क्या, अंत में एल होता तो एडजेक्टिव बनाने के तरीके कई मतलब कई तरीके हैं जिसमें से एक भी है इसका ना रिलेटिंग टू अ डिक्शनरी, इसका संबंध किससे हो लेक्सिकन से हो, इसका संबंध किससे हो लेक्सिकन से, रिलेटिंग टू अ डिक्शनरी, यहाँ पर लेक्सिकन भी रहेगा एक ही बात है, डिक्शनरी या लेक्सिकन का मीनिंग सेम होता है तो जिसका संबंध किससे हो डिक्शनरी से हो। और देखिए लेक्सिकनाइज, लेक्सिकनाइज ये क्या है डिक्शनरी, और आईजेडी कब करते हैं वर्ब बनाने के लिए, जैसे कि ना मतलब कई जगह पे सेंट्रल सेंट्रलाइज है ना इस तरह का, नेशन नेशनलाइज, तो उसे ना लेक्सिकन लेक्सिकनाइज तो वर्ब बना दिए, डिक्शनरी एंड डिक्शनरी लिखना बनाना, तो कंपाइल या तो कंपाइल बोलेंगे या राइट बोलेंगे या एडिट, या तो लिखना राइट मैंने लिखना, एडिट मैंने जोड़ना, कंपाइल का मतलब क्या होता है संग्रह करना, जो लिखना भी होता है जोड़ना ही होता है, टू कंपाइल या राइट या एडिट अ डिक्शनरी, वर्ब हो गया हमारा डिक्शनरी लिखना, शब्दकोश लिखना। देखिए अलेक्सिया, आता मीनिंग क्या होता है नेगेटिव, अगर शुरू में लग जाए देखिए लेक्सी इसके पहले अल ए लगा हुआ, ए के मतलब कहने का मतलब क्या था मीनिंग नेगेटिव, ऐसा थीस्ट अथीस्ट बना हुआ है तो नेगेटिव में निकल के देखे लेक्स यानी वर्ड, इसमें वर्ड नहीं रहे, आ का मतलब क्या था नेगेटिव, तो लेक्सिक तो इसका मीनिंग क्या था इनेबिलिटी यानी कि अयोग्यता, उसमें वो एबल नहीं इनेबल है, इनेबिलिटी टू सी और रीड वर्ड, ठीक है यानी कि अयोग्यता किस चीज का इनेबिलिटी यानी कि अयोग्यता, उसके अंदर वो योग उसके योग्य नहीं है, नाउन है ध्यान रखिए नाउन है, इनेबिलिटी टू सी और रीड वर्ड यानी कि वर्ड को पढ़ने या देखने का मतलब इनेबिलिटी अयोग्यता, यानी कि वैसा पर्सन, ठीक है वैसा पर्सन नहीं बीमारी एक तरह है बीमारी है, तो क्या बोलते हैं वर्ड ब्लाइंडनेस, वर्ड ब्लाइंडनेस आसान भाषा में वर्ड ब्लाइंडनेस, यानी कि जब किसी पर्सन को ना कि लेक्सी यानी कि वर्ड दिखाई नहीं देता है, उसको पढ़ने में दिक्कत होता है और देखने में दिक्कत होता है, उसे कहते हैं ही हैज एलेक्सिया, यानी उसे एलेक्सिया है, उसे वर्ड ब्लाइंडनेस है, ठीक है एक बीमारी है, आपका मतलब क्या था अपोजिट मीनिंग, तो एलेक्सिया है ना कि एलेक्सिया ने इसका जिसका इसको बीमारी हो, नहीं सॉरी थोड़ा थी मतलब एक बीमारी है एलेक्सिया का, जैसे फीवर ही हैज फीवर, ही हैज एलेक्सिया, वो उतना वर्ड देख सकता है ना पढ़ सकता है। ओके आगे
नेक्स्ट हमारा रूट क्या है, ग्राफ। एक ग्राफ है ना, कभी कभी ग्राम मिल सकता है, कभी कभी ग्राम मिल सकता है, जैसे होलोग्राम होलोग्राफ कभी 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 मिल सकता है, पर दोनों का मीनिंग काफी हद तक सेम होता है, जैसे लेकिन है ना कभी कभी अलग होता है, एक आध जगह पे अलग होता है। ठीक है, देखिए आप यानी कि ग्राफ या ग्राम बोला क्या था, राइट रिकॉर्ड, यानी कि लिखना, रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड करने का मतलब किसी भी कोई भी किसी भी रीडिंग को मतलब उसको नोट करना, नोट करना, तो ग्राफ। और देखिए बायोग्राफी, बायोग्राफी तो बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ, बायोलॉजी, जीव भी क्या जिसका संबंध कहाँ से हो, लाइफ से हो, तो बायो का मतलब लाइफ का ग्राफ, किसी का लाइफ का ग्राफ। तो बायोग्राफी क्या होता है पता हो काफी हद तक, द स्टोरी ऑफ समवंस लाइफ, यानी किसी के लाइफ का स्टोरी, द स्टोरी ऑफ समवंस लाइफ है, रिटन बाय समवन एल्स, यानी किसी और द्वारा लिखा गया, मतलब किसी के लाइफ का स्टोरी किसी और द्वारा लिखा गया, क्या कहलाता है बायोग्राफी, हिंदी में क्या कहते हैं जीवनी। मान लीजिए कि किसी और किसी के लाइफ की स्टोरी है, वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए आपकी लाइफ की स्टोरी मैं लिख रहा हूँ, इसे क्या हो गया, ये बायोग्राफी हो गया। तो बायोग्राफी है द स्टोरी ऑफ समवन्स लाइफ, किसी का लाइफ का स्टोरी, रिटन बाय समवन, रिटन बाय समवन समबडी, ठीक है, वन बॉडी में कोई फर्क नहीं होता, एवरीवन एवरीबॉडी सेम ही नहीं होता है, फर्क इतना है कि बॉडी वाला अमेरिकन है और वन वाला यूके इंग्लिश जो हम लोग फॉलो करते हैं, पर इन्हें पर ये भी बिल्कुल कॉमन है, समवन समबडी एवरीवन एवरीबॉडी नो वन नो बॉडी सारे सारे कॉमन है। तो एक में किसी के लाइफ का स्टोरी किसी और के द्वारा, समबडी एल्स, किसी और द्वारा लिखा गया। बायोग्राफर, ग्राफी, क्राफर, वो काम करने वाला पर्सन, वो काम करने वाला पर्सन, इन काउंटेबल नाउन। वन हु राइट्स द स्टोरी ऑफ समवन एल्सस लाइफ, देखिए वन हु राइट्स जो लिखता है क्या, द स्टोरी ऑफ समवन एल्स लाइफ, यानी किसी और का जिंदगी का जो लाइफ का जो स्टोरी लिखे, मान लीजिए मैं किसी और के लाइफ का स्टोरी लिख रहा हूं, तो मैं हो गया क्या, बायोग्राफर। ठीक है, अब ये देखिए बायोग्राफिकल, देखिए बायोग्राफ सॉरी बायोग्राफी, बायोग्राफर, बायोग्राफिकल, ये क्या हो गया एडजेक्टिव बनाने का तरीके, ICICAL, ये कई सारे कई तरीके एडजेक्टिव बनाने के, मतलब एक नाउन को एडजेक्टिव, वर्ब को एडजेक्टिव, इस तरह बनाने के तरीके, उसमें से एक ये है बायोग्राफी। अब जहां वाई को हटाने का जरूरत पड़ता है वाई हटता है, आई से हटता है, ठीक। तो यहाँ पर देखें तो बायोग्राफिकल कहने का मतलब एडजेक्टिव विशेषण है रिलेटिंग टू बायोग्राफी, जिसका संबंध कहाँ हो, बायोग्राफी से हो, यानी जीवनी संबंध, जीवन जिसका संबंध किससे हो, बायोग्राफी से हो। यानी कि देखिए कभी कभी आपको है ना ये बायोग्राफिक मिल सकता है, कभी कभी बायोग्राफिक है बायोग्राफिकल, पर आप खुद से इसको यूज करिए, ठीक है, ज्यादा बेटर है। बायोग्राफिक और बायोग्राफिकल दोनों मिल सकता है, कभी कभी लिखा जा सकता है, लेकिन आपको अगर दोनों का अगर आपको चूज करना हो, ऑप्शन दोनों रहे तो उसको चूज करिए, ठीक है। ये भी यूज होता है, ये भी यूज होता है, लेकिन वो बेस्ट है अगर दोनों आपको अति करें, अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो चुन लीजिए, वो सही है, ज्यादा बेटर, वो ज्यादा बेटर। अब देखिए ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ऑटो मतलब क्या होता है, खुद से, मतलब ऑटोमेटिक खुद से, ऑटो वीडियो बाकी है। अब बायो का मतलब क्या, लाइफ, ग्राफी का मतलब क्या, उसका लाइफ का राइट, यानी कि जीवन का राइट किसके द्वारा, खुद के द्वारा। तो ऑटोबायोग्राफी का मीनिंग क्या होता है, आत्मकथा, खुद के द्वारा, द स्टोरी ऑफ समवन्स लाइफ, यानी किसी के लाइफ का स्टोरी, रिटन बाय हिमसेल्फ या हरसेल्फ, द स्टोरी ऑफ समवन लाइफ, देखे द स्टोरी ऑफ समवन्स लाइफ, किसी का लाइफ का स्टोरी रिटन बाय हिमसेल्फ या हरसेल्फ, अगर लड़का है तो हिमसेल्फ, लड़की है तो हरसेल्फ, यानी कि मेल फीमेल में बात, मैस्कुलिन फेमिनिन, यानी किसी का लाइफ का स्टोरी खुद के जब खुद लिखे तो उसे क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी, खुद के द्वारा लिखा गया। अब देखिए अब ऑटोबायोग्राफिकल सेम मीनिंग है बायोग्राफिकल का, ऑटोबायोग्राफिकल ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, विशेषण। तो ऑटोबायोग्राफिकल कहने का मतलब क्या, रिलेटिंग टू ऑटोबायोग्राफी, जिसका रिलेशन क्या हो, एक आत्मकथा से हो, ऑटोबायोग्राफी से हो। अब देखिए नेक्स्ट हमारा ये ऑटोग्राफ, 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 ग्राफ किसका, खुद का, खुद का राइटिंग, कहने का मतलब ये नाउन भी है वर्ब भी है, यानी ऑटोग्राफ का मतलब पहला तो ये भी नहीं होता, बोलते ना ये इस हीरो का एक्टर, मतलब इस एक्टर का, इस एक्ट्रेस का, ये हम ऑटोग्राफ है, सिग्नेचर क्या होता है, द सिग्नेचर ऑफ अ फेमस पर्सन, बोलते ना कि हम किसी का नाम ले लीजिए, अमिताभ बच्चन का ऑटोग्राफ लेके आए हैं, या फिर मुझे मिला है सलमान खान का मिला है, शाहरुख खान का मिला है, यानी कि उसका सिग्नेचर, उनका क्या सिग्नेचर, द सिग्नेचर ऑफ अ ऑटोग्राफ क्या होता है,
सिग्नेचर ऑफ अ फेमस पर्सन, लेकिन ऑटोग्राफ का मतलब ना सिग्नेचर करना भी होता है, ठीक है, ये सिग्नेचर करना भी होता है कि ही और यहाँ तक बिल्कुल एक फॉर्म क्या है रेगुलर वाला ईडी वाला है ना, कि आपको जरूरत पड़े वी टू वी थ्री करने का तो ईडी लगा कर दीजिए, ठीक है, ऑटोग्राफ्ड है ना, वी टू वी थ्री का घर का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म का जरूरत पड़े तो ईडी नहीं रेगुलर फॉर्म है, यानी कि जो जिसके अंत में ईडी जोड़ के उसका वी टू वी थ्री बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं रेगुलर फॉर्म, ठीक है। तो ये ऑटोग्राफ में ऑटोग्राफ देना भी होता है, यानी कि किसी फेमस पर्सन का जो सिग्नेचर देना भी होता है, लेकिन इसको ना ज्यादा यूज करते हैं इसे कहने इसको गिव लगा के उसने मुझे ना ऑटोग्राफ दिया ही सो मतलब, फिर भी ये वर्ब है नाउन है वर्ब भी है। अब पैराग्राफ, पैराग्राफ का क्या होता है सबको पता, अ पार्ट ऑफ राइटिंग किसी भी एक एक राइटिंग का एक लेख का, ठीक है, पार्ट हिस्सा दैट कंसिस्ट्स ऑफ जिसमें क्या होता है वन और मोर सेंटेंसेस, जो क्या जो किससे बना हुआ था पार्ट ऑफ राइटिंग। पैराग्राफ क्या होता है मान लीजिए कि हम लोग ऐसे वैसे कोई कुछ भी लिखता है, मतलब जब कुछ उसका थीम चेंज हुआ कुछ सीन चेंज हुआ तो पैराग्राफ चेंज, अब वहां से फिर चेंज फिर से, तो पार्ट ऑफ राइटिंग, राइटिंग का पार्ट दैट कंसिस्ट ऑफ जो किस चीज का जिसमें क्या होता है वन और मोर सेंटेंसेस, या तो एक का कभी कभी एक सेंटेंस से काम खत्म होता है, मतलब मोस्टली क्या होता है कि मतलब कई सारे सेंटेंस होते हैं, कई सारे सेंटेंसेस होते हैं। देखिए अब होलोग्राम, नहीं होलोग्राम हम कभी कभी होलोग्राफ हो सकता है, कभी कभी होलोग्राफ कुछ है ना होलोग्राम इस्तेमाल करिए यही बेटर है, पर आपको होलोग्राफ अगर अगर होलोग्राफ दिखा मिले जान लीजिए होलोग्राम ही बोल रहा है, होलोग्राफ दिखा लिखा हुआ है जान लीजिए मीनिंग होलोग्राम वाला है। तो होलोग्राम क्या होता है, जैसे कि आप बुक को लेते हैं तो उसमें एक स्टिकर लगा हुआ था जो लाइट पे चमकता है, उसमें क्या होता है कंपनी का नाम या पब्लिकेशन का नाम या लोगो होता है या राइटर का, मतलब किस तरह का होता है अपना उनका उदाहरण है कि निशानी होता है, और थ्री डायमेंशनल इमेज एक थ्री डी इमेज होता है कहीं से मतलब इधर देखिए इधर देखिए, और थ्री डायमेंशनल इमेज क्रिएटेड बाय लेजर बीम्स, जो लेजर बीम के द्वारा लेजर किरणों के द्वारा बनाया बनाया हुआ रहता है, एक थ्री डी इमेज थ्री डायमेंशनल एक थ्री डी इमेज क्रिएटेड बाय यानी किसके द्वारा कैसे बनाया गया लेजर बीम्स के द्वारा लेजर किरणों के द्वारा, दैट शोज जो क्या दिखाता है द नेम या लोगो, दैट शोज द नेम या लोगो चाहे तो नाम या कंपनी का लोगो निशान जिसका साइन ऑफ द राइटर, ठीक है, उस राइटर का हो सकता है कंपनी का हो सकता है पब्लिकेशन का किसी का भी। होलोग्राम क्या होता है कहीं आप बुक लिखते हैं बोलते हैं ना होलोग्राम स्टिकर खरीद कर देखे यानी कि हमारे कंपनी का अपना खुद का सिंबल मार्क हमारा है, इससे पता चलेगा मेरा ओरिजिनल है। देखिए अब क्या सिस्मोग्राफ बहुत कॉमन सा है, सिस्मोग्राफ क्या होता है भूकंप मापने वाला यंत्र, सब बिल्कुल कॉमन सा है, तो ग्राफ है उसमें करता क्या मापता और लिखता भी है, मापता भी और राइट भी करता है कि हाँ इतना भी इतना हुआ, मतलब जो भूकंप का जो जो स्पीड होता है वो एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एक वैसे एक, एक यंत्र होता है इंस्ट्रूमेंट होता है जो मापता है एंड रिकॉर्ड सब क्या उसको रिकॉर्ड करता है उसको जमा करता है, देखो जो उसमें क्या हुआ कितना हुआ उसका रीडिंग क्या है 4.7 कितने हैं वो पहले मापता है और फिर उसको रिकॉर्ड करता है उसको लिखता है, रिकॉर्ड्स क्या करता है इन्फॉर्मेशन जानकारी किस चीज के बारे में अराउंड अर्थक्वेक्स यानी भूकंप के, एक वैसा यंत्र जो क्या करता है एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर जो मापता है और रिकॉर्ड करता है लिखता है इन्फॉर्मेशन जमा करता है इन्फॉर्मेशन किसके बारे में अबाउट अर्थक्वेक्स यानी भूकंप के बारे में। ओके ठीक है, अब फिर भी आपको कहीं वर्ड में कहीं दिक्कत लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर कहीं आप अब आप कुछ वर्ड से देखते हैं स्टेनोग्राफर सारे लोगों को पता होगा जितने यहां कर रहे हैं एसएससी कर रहे हैं उनको मेरे मुझे नहीं लगता कि पता नहीं होगा स्टेनोग्राफर क्या होता है जिसका काम क्या है अ पर्सन हु जॉब इज टू राइट डाउन ये लिखना व्हाट समबडी एल्स सेज यानी कि देखिए आप पर्सन एक वैसा पर्सन जिसका जॉब क्या है क्या लिखना टू राइट डाउन व्हाट समवन एल्स सेज यानी कि कोई और क्या कहता है यानी कि जैसे कि आपको बताया था ना डिक्टेट डिक्ट बार बार बताया था वहां पर डिक्टेशन क्या होता है इसके पहले बार बताए थे कि डिक्टेशन क्या होता है डिक्टेट क्या डिक्टेट करने का मतलब होता है बोलकर लिखवाना यानी कोई चीज बोलकर लिखवाना किसी से वही आपको बताया था इसके बारे में कुछ बताए भी थे और वैसे भी बताए हो या नहीं बताए हो यहाँ देखिए
वैसा पर्सन से काम क्या, स्टेनोग्राफर काम क्या होता है, और बोल रहे हैं आप लिखिए या टाइप करिए, आजकल टाइपिंग का जमाना है, टाइप करिए, तो या पर्सन उसका जॉब क्या है, या तो लिखना या टाइप करना भी हो सकता है, यानी कीवर्ड समवन एल्स सेज कोई और क्या कहता आपको लिखना है, या फिर राइटर ऑफ शॉर्ट हैंड, स्टेनोग्राफर क्या होता है, शॉर्ट हैंड टाइपिंग, ये तो बिल्कुल सबको पता होगा। तो ये राइटर किसका, स्टेनोग्राफी की है ना, ग्राफर है, ग्राफी नहीं है, ग्राफर है, काम करने वाला है, तो क्या वो पर्सन है, राइटर ऑफ शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड का राइटर, तो शॉर्ट हैंड टाइपिंग क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है स्टेनोग्राफी, भाई ये हमारा करने वाला हो क्या, ये वो काम हो गया, द आर्ट या फिर द आर्ट या द एक्शन, वो आर्ट वो कला चीज का, राइटिंग शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड लिखने का कला, मतलब स्टेनोग्राफी करना है कि शॉर्ट हैंड किस तरह लिखते हैं ये कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिये बिब्लियोग्राफी, इसका मतलब क्या था, बुक से, बिब्लियोग्राफी बुक से, अभी इस पे बना नहीं है, बनेगा इस पे, ठीक है, यानी कि ग्राफ है, ग्राफ में लिखना, बुक लिखना, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मतलब हम लोग इसे बिब्लियोग्राफी क्या होता है, बहुत से जब मान लीजिए कि एक मैं बुक लिख रहा हूँ, थोड़ा देर ये माने की बुक लिख रहा हूँ, अगर उस बुक लिखने के लिए मैंने कई सारे बुक का यूज किया हूँ, अब मान लीजिए कि जो लिख रहे हैं अब उसको उसके लिए मुझे थॉट सही थॉट सोच कि या कुछ आइडियाज, तो उसी से बुक लूंगा, मान लीजिए इंग्लिश का, तो बुक लूंगा इंग्लिश का, यानी वो सारे बुक का लिस्ट जो मैंने किसी एक बुक लिखने में, आर्टिकल लिखने में, एसे लिखने में मैंने यूज किया है वो सारा का सारा, तो ग्राफ में कहा इसका द लिस्ट ऑफ बुक्स, वो द लिस्ट ऑफ बुक्स, वैसे बुक जो वैसे ना द लिस्ट ऑफ बुक्स, यानी कि सारे बुक यूज टू राइट अ पार्टिकुलर आर्टिकल बुक इट से, यानी कि वैसा मान लें कि बिब्लियोग्राफी यानी कि बुक लिखे हैं इसको, जिसके लिए मैंने कि और भी बुक का सहारा लिए हैं, किसी आर्टिकल का सहारा लिए हैं, वो सारा का सारा का जो है ना वो लिस्ट होता है, वो होता है बिब्लियोग्राफी। अब देखिए नेक्स्ट हमारा कार्टोग्राफ, कार्ट मतलब क्या था, नक्शा, मैप, ठीक है, बाकी अभी कार्ट का मतलब होता है, कार्टो का मतलब होता है मैप से, तो कार्ट ग्राफ मान लिखना, तो मैप का नक्शा क्या बनाते बनाते हैं, तो ग्राफी है द आर्ट ऑफ या साइंस, आर्ट यानी कला या फिर साइंस ऑफ मेकिंग या ड्रॉइंग मैप्स, कार्टोग्राफी क्या होता है कि आर्ट या साइंस ऑफ मेकिंग या ड्रॉइंग, मैप को क्या ड्रॉ करते हैं या मेक करते हैं, बना दोनों वर्ड मेक या ड्रॉ दोनों होता है यूज, मैप्स यानी मैप को बनाने का कला, यानी इसका होता है ना नक्शा नवीशी, नहीं कुछ नक्शा नवीश इस तरह कुछ बोलते हैं, ठीक है। कार्टोग्राफर ये कार्ट मैंने कर, ये काम कर, कार्टो यानी मैप्स, ग्राफर मैंने काम करने वाला लिखने वाला, तो वन हु जो क्या करता है, जो ड्रॉज या मेक्स मैप्स, जो नक्शा बनाता हो या फिर बनाता जो जो नक्शा बनाता हो क्या कहते हैं, नक्शा नवीश बोलते हैं इसको, इसका पता नहीं बोलते क्या बोलते हैं, ठीक है, यानी कि जो कार्टोग्राफर काम करने वाला नक्शा करने वाला नक्शा को लिखेंगे। और क्या कैलीग्राफी, कैली का मतलब क्या होता है, ब्यूटीफुल सुंदर, पहले बताया ना कैली गाइनी फोबिया, सॉरी है ना कैली जिन्हें फोबिया बताए थे वर्ड पहले याद आया नहीं, तो कैली का मतलब क्या था ब्यूटीफुल, ग्राफ का मतलब लिखना यानी कि ब्यूटीफुल लिखना, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, कैलीग्राफी का मतलब लिखना क्या सुंदर, यानी सुंदर लिखने की कला, सुलेखन, कभी सुनेगा क्या अक्सर में कि जब छोटे होंगे तो स्कूल में लिखो है ना कि सुंदर सुंदर लिखना, उसे कहते हैं कैलीग्राफी, यानी कि बिल्कुल ना एकदम कि बिल्कुल हम कॉल सिंपली कॉल कर सिंपली इसको पढ़ सकें, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। अब कैलीग्राफर वो काम करने वाला पर्सन, कैलीग्राफर करने वाला, अब प्रोफेशनल कॉपिस्ट, कॉपी का मतलब क्या, कॉपी नकल करने वाला, नकल करना आईएसटी मतलब काम करने वाला पर्सन, ठीक है, आईएसटी तब लगाते साइकोलॉजी साइकोलॉजिस्ट, यानी तो कॉपिस्ट मतलब प्रोफेशनल, प्रोफेशनल कहने का मतलब क्या, बिल्कुल अपने काम में एकदम माहिर हो, प्रोफेशनल हो, बिल्कुल जानता हो अच्छी तरीके से, यानी कि कॉपी करना नकल करना, अब जो बहुत अच्छे से नकल कर सकता है, यानी कि वही मतलब जो सुंदर सुंदर लिखता है उसे क्या कहते हैं, कैलीग्राफर। अब कैलीग्राफिकल आईसी क्या होगा, एडजेक्टिव बनाने के तरीकों में से एक, अभी बताए बायोग्राफिक बायोग्राफिकल, तो है कि रिलेटिंग टू कैलीग्राफी, जिसका रिलेशन कहां से, ये सब वर्ड लिख देता है, इसलिए जब खुद से आप लिखें जरूरत पड़े उसका एडजेक्टिव फॉर्म यूज करें, ऐसे लिखें या फिर ना खुद से आप लिखें तो आप उसको एडजेक्टिव फॉर्म यूज कर सके, किसका एडजेक्टिव कैसे होता है, हालांकि मैं बताऊंगा लास्ट में, लेकिन साथ में चलेंगे तो बेटर रहेगा अगर यहाँ सामने ही है तो। अब क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्ट मतलब क्या होता है, हिडन छिपा हुआ, ये बाकी भी ठीक है, क्रिप्टो मतलब क्या, हिडन छिपा हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ छिपा हुआ लिखना,
अब मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग, एक वैसा मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग क्रिप्टोग्राफ है कि छिपा के लिखना। अब मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग प्रोटेक्ट करना किसका, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन यूजिंग कोड्स। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, एक मेथड है सुरक्षा करने का, किसका, इंफॉर्मेशन का, जानकारी का या कम्युनिकेशन का, बातचीतों का, कम्युनिकेशन का, कैसे, यूजिंग कोड्स यानी कोड का प्रयोग करते हुए, ऐसे ना कि कुछ बात करने ताकि जिससे कि ना कोई और इसको एक्सेस नहीं कर सके, कोई और हमारी बात नहीं सुन सके, यानी कि इसको कोडिफाई कर देना है ना उसको, कि मतलब उसमें कोड लगा देना कि हमारी बातों को, जानकारी को कोई और मतलब उसको नहीं देख सके ना सुन सके। तो क्रिप्टोग्राफी यानी कि अब मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग का किसको करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को, कम्युनिकेशन को, कैसे, कोड के द्वारा। तभी तो उसको लिखा हुआ है तो कोड से तो उसको छिपाएंगे, और कैसे छिपाएंगे, या फिर इसी को बोलते ना सीक्रेट राइटिंग। सीक्रेट, सीक्रेट सबको पता है, और सीक्रेट नहीं, सीक्रेट राइटिंग यानी कि वैसा राइटिंग ना जो बिल्कुल सीक्रेट हो, हिडन, छिपा हुआ, जो हर कोई नहीं पढ़ सके, पता है जिसको कि कैसे इस रहस्य को कर, इस सीक्रेट को खोलना है, इस सीक्रेट को वही पढ़ सकता है जिसको इसका कोड पता, ठीक है। और बाकी अगर अगर कुछ और वर्ड्स हैं ग्राफ से रिलेटेड, तो अगर 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 लगे कि इम्पोर्टेंट है तो नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अच्छा लग रहा, शेयर करते रहिए, फरनाइस चैनल है तो बिना आपके सपोर्ट के बिना आगे बढ़ेगा नहीं, चैनल क्या इंडिविजुअल है, कोई बड़ा चैनल तो है नहीं कि हो जाएगा अपने आप। मुझे तो है ना कि उस लिस्ट में लाने में मेरी टाइम लगा था कि मतलब सर्च बॉक्स में सर्च कर रहे हैं आने जैसे आपका चैनल, उसी में टाइम लगा रहा था। अब इतने सैकड़ों वीडियोज है, आप वन वर्ड लिखे सैकड़ों वीडियो जाएंगे, कौन सा खुद सेलेक्ट करना मुश्किल होता है, और नया चैनल तो और ऊपर तो आएगा नहीं, केस नहीं। जैसे कि वन वर्ड सब्सक्रिप्शन आ गया, सीजीएल मेंस इंग्लिश आ गया पहले ही, वो तो मैंने बड़े बड़े जो जिन जो काफी पुराने हैं वो जाएंगे, ये क्या पता, ये तभी आएगा जब आप चाहेंगे। ओके, थैंक यू।